आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। क्यों सर, जो खोज विषय एक रिसर्च वाला था वो आ चुका है, ठीक है जी सर। वो एक ऐसे महान पुरुष पे आप लोगों को रिसर्च कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया था। वो महापुरुष यही तो हमें नहीं बताना है आप लोगों को, ये तो आपको जानना है वो महापुरुष कौन थे। सर उनका नाम तो बता दीजिए। नाम नहीं बता सकता हूं मैं, पर हाँ कुछ ऐसे हिंट बता सकता हूं जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। ठीक है सर। तो ये महापुरुष जी हमारे इंडिया लेवल से आई पूरे विश्व में अमेरिका में उनका जो भाषण था है ना, उसके वजह से पूरे भारत को जाना जाने लगा उनकी वजह से। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना खोज स्टार्ट करें। और सब तो ठीक है सर, लेकिन इस महापुरुष को हम ढूंढने के काम से। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। इनको ढूंढने का हाँ, इनकी जो जन्म स्थान है ना बंगाल के कोलकाता नगर में, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों मेरा यहीं तक सपोर्ट था, बाकी आप लोग अपनी तैयारी कर कैसे क्या जाना है, ठीक है जी सर। जी सर, नगरी में इससे पहले की कुछ बातें जो तैयारी हो रही, लड़कियां भी ना जाने के समय में पूरा दिन लगा लेती हैं, कहाँ रहेंगी? हाँ भाई सही बोल रहा है यार, पूरा दिन भर मेकअप करते रहते हैं फिर लोगों को टाइम नहीं मिलता है। हाँ यार इतना लेट कर रहे हैं, जल्दी आती नहीं है। लेट क्यों, क्या हो गया? उनको बुलाओ जल्दी जल्दी, ट्रेन छूट जाएगा। कौन है ये? कुलकुले मांग रहे हैं 35 रुपए का कुलकुले। हमारे युवा साथी कोलकाता नगरी में तो लाइट चालू करके नहीं समझा सकते कि शायद ये हम कोलकाता पहुंच चुके हैं। हाँ यार पहुंच तो गए लेकिन उस सन्यासी बाबा को ढूंढेंगे कैसे? मैं वो नंबर दे देता। हाँ ये तो कहने वाली बात है, हम कैसे पता लगाएंगे? चाचा जी सुनते हैं चाचा? हाँ बच्चों बताओ। हमको आपसे काम था। आप लोग कहाँ से हो बच्चों? चाचा हमको आपसे ये जानना था कि एक जो सन्यासी बाबा रहते हैं उनको आप जानते हैं क्या? कैसे कंट्रोल? हाँ आज आप उनकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। अच्छा रेनू, अच्छा ले चलता हूँ तुम लोग को। चलो चलो जी चाचा जी। बकवास बेटा, मेरा उम्र हो गया ना, अवस्था भी चल भी नहीं पाता हूँ, बड़ा कष्ट से चलता हूँ मैं। अरे यारे चाचा पागल है क्या? खुद तो पागल है पर हमें भी पागल बना रहे हैं। क्या बोल रहे बेटा, सुनाई कैसे यार? जैसा ही वो तो डीजे तो बेटा आ ही गए हैं, चल चल फ्रेंड्स से बस बेटा। हाँ बेटा यहाँ से तुम लोग तो सभी चले जाना क्योंकि मैं अब मेरी अवस्था हो गई, मैं अब चल नहीं सकता, तो आप लोग चले जाओ। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। इनकी अवस्था हो गई है, उम्र नहीं होगी अवस्था हो गई है, वर्ड मिस्टेक। चाचा लेकिन हम नदी को कैसे पार करेंगे? चाचा बताते जाइए उपाय कुछ। बेटा यहाँ नाली से वो तुम्हें पार करवा देंगे बेटा। अरे भैया भैया। हाँ बताइए। अरे हमें नदी के उस पार छोड़ दीजिए। नदी के उस पार तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन 50-50 रुपये भाड़ा लगेगा आप लोगों का। यार बहुत पैसे लगे 50 रुपये। अरे अरे ले लीजिएगा चाचा 50 रुपया पहुँचा दीजिए। अच्छा ठीक है बैठ जाइएगा। Thank you.
संभाल के बैठना, बड़े बड़े इसमें विषैले जानवर भी है, मगरमच्छ भी है। ये आ गया, हम नदी के तट पर पहुंच गए हैं, अब जा सकते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, लेकिन पहले अगर भाड़ा देके जाइए। पहले तो उतर लेते हैं, चलो सर। नाटक की वास्तविकता किसी भी पात्र को अभद्रता की प्रमाणिकता से नहीं देखते। अरे यहाँ कुछ दिख रहा है। हाँ यार, कर देगा, इन्हें कुछ ये तो हमारे के तरह नहीं है। बहुत अद्भुत चमकदार मूर्ति है, देखा तो काफी उज्जवल और तेज। क्या चीज की बात कर रहे हो तुम, बताओ जल्द बताना जल्दी। सर हम सभी यहाँ एक सन्यासी के ऊपर रिसर्च करने आए हैं। उनकी कुछ पहचान है आप लोगों के पास? आप लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते। आप बता दीजिए थोड़ा उनके जीवन परिचय के बारे में। बिल्कुल, उनके बारे में हम दोनों मिलकर बताएंगे। स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व था वो अलौकिक था और बहुत ही दिव्य था। जहाँ खड़े हो जाते थे उनको देख करके लोगों के मन में पॉजिटिव थिंकिंग आना प्रारंभ हो जाते थे। यह घटना उस समय की है जब शिकागो अमेरिका में जाके जनसभा को संबोधित हुई। उस समय चंद शब्द बोले वहां जाकर के और पूरे अमेरिका वासी जितने उस सभा में उपस्थित थे सभी गदगद हो गए और उनका जो मन है वो प्रफुल्लित हो गया। वही का एक दृश्य है, एक महिला आकर उनसे बोलती है कि महात्मा जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? तो महिला बोलती है कि मुझे आप ही की तरह एक दिव्य पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इसके लिए आपको विवाह करने की क्या आवश्यकता है, इसमें तो बहुत वर्ष लग सकता है। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, मैं आपको माता के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और उनके बारे में आगे हमारे मित्र बताएंगे। आप लोग बस ठीक ठाक समझ आए? और कुछ जानकारी आप लोग उनकी किताबों को पढ़ें और उनके बारे में जानें। हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे उठो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्य है हमारे भारत की भूमि जिन्होंने बड़े बड़े महान पुरुषों को जन्म दिया है। कैसे हैं आप? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। क्यों, इसमें क्या खास बात थी? एक महापुरुष का शोध तो बस करना था, इसमें अच्छा। खैर वो तो आपके चेहरे पर जो तेज दिख रहा है मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ₹50 देकर क्या है निष्कर्ष? सर ये कोई पूर्व ये कोई विषय नहीं है, शोध करने का कोई विषय नहीं है। वो अच्छा जिन्होंने हमारी पहचान पूरे विश्व में बनाई इनका हमें सम्मान करना चाहिए। ओहो,
आपके चेहरे में जो चमक आ रहा है उसे साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि आप लोग जिस महापुरुष के बारे में खोज करने गए थे ना, खोज करने गए थे, तो आपको समझ में आ गए कि हमारे जो महापुरुष थे उनके वजह से पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ। ठीक, हाँ सर, हम स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मानों पर चलेंगे और अपने भारत में नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन को हमारे नाम किया गया, युवा दिवस के नाम किया गया। बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। आप लोग का शोध 12 तारीख को कम्प्लीट हुआ, 12 जनवरी को। आज कुछ है आप लोग को जानकारी भी होगा शायद, है ना? युवा दिवस, यूथ डे, हमारे भारत के युवाओं का दिन। कुछ है यार, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मैं चाहता हूं आप लोग बस ऐसे ही अपने जीवन में उनकी आशीष वचनों को अमल करें।